श्री कृष्ण शरण सुख लेने को, श्री कृष्ण शरण सुख लेने को, हम राज पाट सब छोड़ चले, हम राज पाट सब छोड़ चले, श्री कृष्ण शरण सुख लेने को, श्री कृष्ण शरण लेने को, हम राज पाट सब छोड़ चले, राज पाट सब छोड़ चले। आत्मा को हरि सुख देने को, आत्मा को हरि सुख देने को, हम राज पाट सब छोड़ चले, हम राज पाट सब छोड़ चले, हम राज पाट सब छोड़ चले, ओ जन्मे जे अब तुम मत रो, जन्मे जे अब तुम मत रो, हे रानी मत धीर देखो, हे रानी मत धीर देखो, छोड़ो छोड़ो मुझको छोड़ो, हम जग से नाता तोड़ चले, हम जग से नाता तोड़ चले, हम राज पाट सब छोड़ चले, हम राज पाट सब छोड़ चले, हे महिषी मुझको जाने दो, हे महिषी मुझको जाने दो, अपना कर्तव्य निभाने दो, मुझे गिरिधर मित्र मनाने दो, मुझे गिरिधर मित्र मनाने दो, हम तुमसे निज मुह मोड़ चले, हम तुमसे मोड़ चले, हम तुमसे सब छोड़ चले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। हम राज पाठ सब छोड़ चले, अपनी मस्ती में जीने को, अपनी मस्ती में हम तुमसे नाते तोड़ चले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कितना मार्मिक प्रसंग है यहां का। प्रातः काल ही अभी पौ नहीं फटी थी, सायंकाल समाचार मिला सब कुछ जनमेजय को सौंपकर महाराज परीक्षित हस्तिनपुर से सुखताल आ गए। तत्रोप जगमुर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। उसी समय महर्षि को आनंद देने के लिए भगवान की प्रेरणा से सभी मुनिगण पहुंच गए, बड़े बड़े संत पहुंच रहे हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा के बहाने संत तीर्थ को पवित्र करते हैं, तीर्थ संतों को नहीं पवित्र करते। हमारे देखिए साधु साधु होता है, हो आज सब कुछ है पर साधु नहीं मिल रहा है। हम लोग साधु बनना चाह रहे पर अभी हम साधु नहीं बन पाए। हाँ इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं साधु बन जाऊं। साधु साधु होता है, किसी भी संप्रदाय का हो पहले वो साधु है, चाहे रामानंदी हो चाहे रामानुजी हो चाहे शंकर मत का व्यक्ति हो चाहे सन्यासी हो चाहे उदासी हो चाहे वीर बैरागी हो, कोई भी हो साधु बनना बहुत आवश्यक है। और साधु बनना बहुत कठिन है। आज लोग साधु कहां बन रहे, अपने पुजवाना चाहते हैं लोग, साधु कहां बन रहे। हम साधु कहां बन पाए, क्योंकि हमारी ये पूजा की जो डाइन लिप्सा है चांडालिनी ये नहीं जा रही है। सती शूर को सहज है घरी पहर को काम। अरे सती होना सरल है भाई, आधे घंटे एक घंटे कष्ट होगा जल के मर गए ठीक हो गया। शूर लड़ते लड़ते मर गए एक घाव में मर गया, उसको तो घड़ी पहर ही कठिनता भोगनी पड़ती, किंतु साधु होनो कठिन है, क्योंकि जीवन भर संग्राम। आज साधु बहुत नहीं हो पा रहा है, कोई साधु का
कैसे साधु? मेहरारू लड़का छुट्टी नहीं रहे, साधु कहां से हो गए भैया? कहां साधु यार, क्या बात करते हो? साधु होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए हमारे यहां की साधु की परंपराएं, हम लोग तो बालकालीन साधु हैं, घर गृहस्थी जानते भी नहीं कैसी होती है। भगवान के चरण में आए, भगवान जैसा रखें उसी में, जैसे रखें उसी में रह लिया। भगवान ने कहा पैदल चलो, पैदल चल लिया। भगवान ने कहा साइकिल पर बैठ जाओ, बैठ गए। भगवान ने कहा नहीं अभी स्कूटर पर बैठ जाओ पीछे, वो भी बैठ लिया। भगवान ने कहा नहीं बस में चले जाओ, ठीक। कहा सेकंड क्लास वाली रेल यात्रा, ठीक। अब भगवान ने कहा नहीं काम बड़ा हो गया तो थोड़ा प्लेन में बैठ जाओ, भी बैठ लिया। अंतर नहीं पड़ता, अनुसंधान होता रहता कि हम वही तो थे, हम वही थे जो नंगे पैरों विद्यालय जाया करते थे। आज क्या हो गया, हमें कोई अंतर थोड़े ही आया। साधु बनना बड़ा कठिन है। बालेपन से हरि भजे, बालेपन से हरि भजे, जग से रहे उदास, सब तीरथ आशा करें, कब आई है हरिदास। संत बनना बड़ा कठिन। तो आज संत आ रहे हैं भगवान परीक्षित का आनंद लेने के लिए। परीक्षित ने सबको प्रणाम करके कहा संतो एक इच्छा है हमारी, बहुत अच्छा कहते हैं, तम्मो पयातम प्रतियन्तु विप्रा, गंगा च देवी धृत चित्त मीशे, द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम् गायत विष्णु गाथा। आप लोग भगवान की चर्चा कीजिए। संत लोग आए तो कह रहे थे कैसे सांप मिला, कैसे तक्षक ने काटा, क्या हो गया परीक्षित की बुद्धि को, क्या हो गया था, क्यों श्रमिक का अपमान किया। उनका व्यर्थ की बातें मत करिए, गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, भगवान की गाथा के भागवत का वर्णन ही, बेटे आंसू हो तब तो भागवत सुनो, नहीं तो सुनने की आवश्यकता नहीं, जाओ घर। पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रश्च सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। मेरी एक इच्छा है, तक्षक काट ले मैं मर जाऊं, परंतु हे संतो एक आशीर्वाद दीजिए कि जहां जहां जन्म लूं भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो। और बात थोड़ा कम रखो, वक्तव्य से थोड़ा कम रखो। जहां जहां जन्म लू भगवान के चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो, संतों के प्रति मेरी आसक्ति हो, भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो, संतों के चरणों में आसक्ति हो और संसार के प्रति विरक्ति हो। ब्राह्मण प्रसन्न हो रहे हैं, वाह। मुनिगण प्रसन्न, कहा हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, पर हे राजन जब आप
कृष्ण के चरणों में जाने लगेंगे तो कम से कम उस क्षण को जीने के लिए हम तब तक यहां अवश्य रहेंगे। इधर पौ फट रही है, उधर भारतीय अध्यात्म के लिए भी पौ फट रही है। इधर सूर्योदय हो रहा है, उधर भारत के अध्यात्म जगत में भी सूर्योदय हो रहा है। किसी ने, सब लोग बात ही कर रहे थे तब तक, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत बेश। क्या बात है, तब तक यदृच्छया सहसा किसी ने देखा नहीं किस दिशा से करोड़ों सूर्यों के समान जाजल्यमान 16 वर्ष की अवस्था में चमचमाते हुए मुखारविंद के मंगलमय दिव्य प्रकाश से वातावरण को अनुरंजित करते हुए शुकाचार्य जी प्रकट हुए। 16 वर्ष के दिख रहे हैं, सारा अवयव का समूह बहुत सुकुमार कोमल कोमल मंजिल मंजिल है। और नासिका बड़ी ऊपर उठी हुई, चिपकी नासिका नहीं ऊपर उठी, प्यारी प्यारी ऊपर नासिका उठी हुई, और निर्दोष आंखें, सुंदर कान और लंबी भुजाएं, बक्ष पर तीन रेखा, उधर पर तीन रेखाएं, श्यामलंग मुस्कुराते हैं। तो स्त्री नाम मनोज्ञम रुचिर स्मिते, स्त्री नाम माने भगवत प्रपन्ना नाम, भगवान की प्रपन्न महिलाएं भी उनकी चरण में निछावर, गोपियां गोपियां गोपियों के लिए भी मनोज्ञ ब्रजांगनाओं ने स्वागत किया। हा हा प्यारे शुकाचार्य देखो, सबने देखा सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्जाम शिरसा जहार ततो निवृत्ताय बुधा स्त्रियोर्भका महासनम शोप विवेश पूजित। ने 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 हे हो वृषभा हे हो राधारानी तुम बड़ी हो मृदुल सकरुण हे हो राधारानी तुम बने हो मृदुल सकरुण हे हो राधारानी तुम बने हो मृदुल सकरुण हे हो राधारानी तू बड़ी हो मृदुल सकरुण। ये बंदिश मेरी अपनी है, हो सविष्णु रातो तिथे आगताय, विष्णु रात ने परीक्षित ने आगत अतिथि को सिर से प्रणाम किया, कुछ भी तो नहीं था उनके पास। ततो निवृत्ता ह बुधा स्त्रियोर्भका, इसके पश्चात टीकाकार तो कहते मूर्ख अर्भक और स्त्रियां, पर मैं नहीं कहूंगा। अरे मूर्ख होते तो शुकाचार्य के पास क्यों रहते, हम लोग कौन ही उनके चरणों में चले जाते हैं, हम भी तो पढ़े लिखे हैं। यहां टीकाकार सत्य से बहुत बहुत दूर हैं। यहां अबुधा का अर्थ मूर्ख नहीं है, अकारम वासुदेवम बुद्ध्यन्ते इति अबुधा, जो भगवत तत्व को जानते हैं ऐसी स्त्रियां गार्गी आदि, गार्गी मैत्री आदि, और अर्भका बालक रूप में आए हुए सनत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनिवृत्ता। निवृत्ता माने क्या होता है, लौट गए माने, नीचैर्वृत्ता नीचे जाकर आसन पर बैठ गए,
और महासने शोप विवेश पूजित, इस पर जरा सुनिए। कहते शोप विवेश, इस पर थोड़ा गंभीरता से सुना तब समझ में आ जाएगा। कहते शोप विवेश पूजित शुकाचार्य, शुकाचार्य भी महासन पर बैठ गए। इसका तात्पर्य क्या था? सब लोग तो बैठे पर उनको व्यासासन कौन बनाए के दे। तब तक देखा एक सुंदरी महिला, 16 वर्ष की अवस्था की सजी धजी सौभाग्यवती किशोरी, धीरे धीरे ऊपर से आती हुई दिखी और सबके देखते देखते अपनी, उसने अपनी ओढ़नी उतारी, उसको आसन की भांति चौपता घड़ी किया, बड़ी बनाई सबसे ऊपर और धीरे से कहा, वृषभान की ललित हो, वृषभान की ललित श्री शुकदेव जी को पूजने चली, वृषभान की लली श्री शुकदेव जी को पूजने चली, वृषभान की लली वृषभान की लली श्री शुकदेव जी को पूजने चली, वृषभान की लली वृषभान की श्री सुखदेव पंकज से नयनों में करुणा की प्याली, पंकज से नयनों में हाथों में राज रही फूलों की थाली, राज रही फूलों की थाली, हाथों में लाराज रही फूलों की थाली, हाथों में फूलों उर में मुक्ता लड़ी, मन में मुक्ता लड़ी, ही में मुक्ता लड़ी, श्री सुखदेव जू को पूजने चली, ही में मुक्ता लड़ी, श्री सुखदेव जू को पूजने वृषभान की लली वृषभान की लली श्री सुखदेव वृषभान मानस के मंदिर में भावना विराजे, मानस के मंदिर मानस के मंदिर में भावना विराजे, कान्हा के अनुराग बावली वो राजे, कान्हा के अनुराग बावली वो राज, कान्हा के अनुराग बावली भयार, कान्हा के अनुराग बावली हुए राजी, मानो पंकज कली, मानो पंकज कली श्री सुखदेव जू को पूजने चले, मानो पंकज अली मानो पंकज कली श्री सुखदेव जी को पूजने चले, वृषभान के लले वृषभान के लले श्री सुखदेव जी को पूजने चले, गिरिधर के मितवा पे झूमती दीवानी, गिरिधर के मितवा पे झूमती दीवानी, गिरिधर के मितवा पे झूमती दीवानी, मंद मंद नाच रही आज राधा रानी, मंद रही आज राधा रानी, मुद मंगल अली मुद मंगल अली श्री सुखदेव जू को पूज
जिन चल मुद मंगल अली मुद मंगल श्री सुखदेव जी को पूजने चल वृषभान की लली वृषभान की लली श्री सुखदेव जी को पूजने चल जय जय श्री सुखदेव जी को पूजने अह श्री सुखदेव जी को राधा रानी की निर्माय नूतन उदाहरणानुरूपम गीतम मयात्र निहितम न परस्य किंचित। ये मेरी अपनी रचना है, इसी भावना पर मैंने किसी से कुछ लिया नहीं है। हम तो जगत गुरु ठहरे, बासी नहीं खाते, स्वयं बनाकर खाया करते हैं। त्रिदंडी सन्यासी ठहरे तो मधुकरी लेते हैं अवश्य, पर बनाना अपने हाथ से पड़ता है। महासने, अब यहां की व्याख्या देखिए। महासने क्यों कहा गया? देखिए, राधा रानी का नाम है महा। कैसे? संस्कृत में मह का अर्थ होता है उत्सव। सराशि राशीन महसाम महोज्वला महोज्वला हो सराश राशि महाशाम महोत्सव में तो हो जाएगा, महान उत्सव तब थोड़े बनेगा वो। महोज्वल महे महि उज्ज्वल इतत्र तत्र नारायणी टीका। कहाँ की नारायणी टीका? नैषधीय चरित के प्रथम स्तर के पहले श्लोक की। मह माने उत्सव और महाह संत अस्याम, जिनके जीवन में निरंतर भगवान कृष्ण के उत्सव होते ही रहते हैं, उन राधा जी को संस्कृत में कहते हैं महा, महाराधा। महया राधया दत्तम आसनम इति महासनम, राधा रानी जी के द्वारा दिया हुआ आसन उसको कहते हैं महासन। तस्मिन, उस महासन पर सोपविवेश में सह उपविश तो ठीक ही है, सोच लो पे चेतपाद पूर्ण से हो जाएगा, किंतु हम अलग करें सा, उस महान आसन पर सा माने राधा रानी ने उपविवेश, अंतर्भावित अर्थ है शुकाचार्यम उपवेश या मास। उपवेश का उपविवेश का अर्थ यहां होगा, नोट करो, उपवेश या मास। उस अपने द्वारा दिए हुए, अपनी चुनरी के द्वारा बनाकर दिए हुए आसन पर राधा रानी ने शुकाचार्य जी को आदर पूर्वक बिठा दिया। ये अंतर्भावित अर्थ। इसके अनंतर तया राधया शुकाचार्य है वक्तृत्वेन पूजितः। फिर राधा रानी जी ने ब्रज की माटी से, राधा रानी जी ने ब्रज की माटी जो कृष्ण भगवान के चरणारविंद के कुंकुम से अंकित है, उस ब्रज की माटी से शुकाचार्य जी का तिलक किया कि लो बेटे अब तुम भागवत की कथा सुनाओ। और यावत चंद्र दिवाकर यह कथा चलती रहेगी, इसे वहां बार बार लिखेंगे। श्री शुक उवाच, श्री जी का तोता बोला, श्री है शुक है श्री शुक है, राधा जी का तोता बोला, श्री कृष्ण है शरण मम, राधा जी का तोता बोला, श्री कृष्ण है शरण। नारद जी की वीणा बोली, श्री कृष्ण है शरण मम, नारद जी की वीणा बोली, का तोता बोला, श्री कृष्ण है शरण मम, श्री राधा का तोता बोला, श्री कृष्ण शरण मम। बोल श्री राधा रानी की। महासनी सोप विवेश पूजिता नव्य व्याख्यानम सर्वमत्र नव्यमेव भविष्यति, नव्यंच भव्यम उयम, नव्यम भव्यम शास्त्रस्य च पंचगव्यम। अब
परीक्षित जी ने प्रणाम करके शुकाचार्य से प्रश्न किया, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनाम परमं गुरुम् म्रियमाणस्य तत्कार्यं पुरुषस्य सर्वथा। हे महाराज, जो आसन्न मरण के लिए सुनना हो, जो कीर्तन करना हो, जो जप करना हो, अथवा इससे कुछ विपरीत हो, बताएं। इसी पर प्रथम स्कंध संपन्न हुआ। शुकाचार्य ने प्रारंभ किया वक्तव्य। श्री शुकोवाच, श्री जी का शुक बोला। वरी आने से ते प्रश्न, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। कृतो लोक हित नृपा, लोक का हित ऐसी है, और आत्मवित सम्मता, और आत्मवेत्ताओं के द्वारा भी इसको सम्मति मिली है। अपुंसाम श्रोतव्यादिशु यह पर, पुरुषों के लिए भी यही श्रोतव्याद कर्तव्य में श्रेष्ठ प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए राजन, एक बात ध्यान रखिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्लोक के उच्चारण की प्रकृति सुनिए, कैसे श्लोक बोलने चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे राजन, तीन कार्य करना चाहिए। क्या क्या? बोले भगवान सर्वात्मा है, इसलिए यदि हम अभय चाह रहे हैं तो हमें भगवान के ही संबंध में सुनना चाहिए, और वाणी से भगवान के संबंध में ही बोलना चाहिए, और मन से भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। यही बात तो कही नरसिंह, यही बात कही। आंख मारी उघेड़े त्या सीता राम देखूं, धन्य मारू जीवन कृपाइनी लेखूं। यदि मेरी आंख खुले तो श्री सीताराम जी या राधा कृष्ण ही दिखाई पड़े, मेरी वाणी सीताराम जी का उच्चारण करे, मेरे कान भगवान को सुने। राजन, अभी कितना समय है तुम्हारा? का 7 दिन। अरे कहा राजन, 7 दिन बहुत होते हैं यार। हाँ, अरे तवा पेतर ही कौरव्य सप्ताहावधि जीवितम, कुछ नहीं। खट्वांग को तो केवल 24 मिनट मिले थे। खट्वांग देवताओं से युद्ध करते, देवताओं के की सहायता में राक्षसों से युद्ध करते रहे। उन्होंने कहा राजन विरमताम युद्धात बहुत हो गया, बोलो क्या चाहते हो। खट्वांग ने कहा अभी हमको कितने दिन जीना है, यही बस इतने बताइए। देवताओं ने कहा बस केवल 24 मिनट, एक मुहूर्त। अरे कहा बस हो गया, इतना तो बहुत होता है। कहा बस अब हम चले, तुम लोगों से बात नहीं करूंगा, अब मैं जा रहा हूं। अब तक हमने स्वर्गलोक में युद्ध किया, मैं देखो 24 मिनट में अपना मोक्ष बना लूंगा। 24 मिनट में मोक्ष बना लिया ले। अरे जिसको करना है वो क्षण भर में कर ले, तो जब नहीं करना है तो फिर जो रगड़ता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। नमो राघवाय। जिसको पढ़ना लिखना है फिर समय थोड़ी लगता है,
एक क्षण में नमो राघवा है, जब नहीं पढ़ना है तो सिसकते रहो, वो नमो राघवा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर ले होगी बहुर करोगे। एक हमारा विद्यार्थी, वो भी विचित्र धूमकेतु है, उसने कहा आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। मैंने ऐसे ऐसे जंतुओं को भी ईश्वर जन्म दे दिया करते हैं संसार में। तो ओ देखो तो इसलिए बहुत, इतने में तो बहुत कुछ कर लोगे। राजन भगवान की धारणा करो, जहां देखो वहां भगवान दिखेंगे आपको, कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। राजन प्रकृति में परमेश्वर के दर्शन करो, भागवतकार का वाक्य है प्रकृति में परमेश्वर के दर्शन करो, प्रकृति में। अब परमेश्वर के दर्शन कब करो, जब ये आंखें बहुत पापिनी है ना, ये घर द्वार तो छोड़ने नहीं चाहती, कहे को दर्शन होंगे भगवान के, घर द्वार छोड़े तब ना। इनसे जब चिंताएं तुम्हें करना है, सबको चिंतन करना है, बालकों को चिंतन करना है, मेहरारू को चिंतन करना है, लड़कों को चिंतन करना, तो काहे को रघुनाथ का चिंतन होगा। उनके चिंतन के लिए तो देखो एक बात हमें मेरी सबको सुननी चाहिए, कुछ भी करो जनता को ठगने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे उपस्थित हो जाए, कोई आपत्ति नहीं, सब चकाचक है। चौके और चौकी में एक रूपता होनी चाहिए, चकाचक। जो बोलो वही करो, और जो कहो वही करो, और जो करो वही कहो। हमको कथनी और करनी में एकता लानी पड़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात कहते हैं, देखो सबके लिए ठीक है। कहा अच्छा देखो, आपको भगवान की आंख देखने का मन है, ठीक है ना, तो कहते हैं आंख देखने के लिए क्या करोगे, कौन है भगवान की आंख? अरे सूर्य नारायण ही भगवान की आंख है, ये देखो कितना बढ़िया, सूर्य नारायण को देख लिया तो हाँ, इसी प्रकार हमारे भगवान की आंखें हैं। हमको भगवान का बाल देखने का मन है, काले काले घिघिराले बाल देखने का मन है, कहां मिलेंगे अब? तो कहा ये सुंदर सुंदर जब बादल नभो मंडल में उगते हैं तो उमड़ते, कहा हा हा यही इसी प्रकार भगवान के बाल हैं। अरे भ्रुकुटी विलास भयंकर काना, भ्रुकुटी विलास भयंकर, गाइए गाइए गाइए, नयन दिवा कर कच धन माना, कर कच घन मान। इस प्रकार पूरा धारणा योग बताया, बड़ा सुंदर, जहां जहां देखो वहां वहां भगवान दिख जाएंगे। भगवान की पूजा सब प्रकार से करनी चाहिए, किसी भी इच्छा का यदि संकल्प है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देखो और लोग तो अपनी मनता मानते हैं, हे संतोषी माँ हमारा काम पूरा कर दो, हे काली मैया हमारा कर दो, कोई कहता हे ब्रह्म बाबा, हे भैरव बाबा। कभी कभी देखो मैं अपनी बात ही कहने में संकोच नहीं करता हूं, अभी थोड़ी दिन पहले मेरे मन में एक दुष्टता आ गई। विश्वविद्यालय का एक मेरा काम था, पर दुष्टता को मैं सुशिष्टता मान रहा हूं, वो काम नहीं हो रहा था। बार बार सोचा, प्रयत्न करता रहा, विलंब होता गया, बड़ी चिंता हुई, पर मैंने मानता भगवान से ही मानी। मैंने कहा थोड़ी दिन पहले कि हे गिरिराज जी, गोवर्धन जी, यदि विश्वविद्यालय का वो मेरा कार्य हो जाएगा ना, तो अब मेरा शरीर यद्यपि अब 6 घंटे कथा करने के लिए नहीं कहता, पर मैं आपको 6 घंटे भागवत की कथा सुनाऊंगा। तो देखिए आप, मैंने भगवान से कहा,
पर वो हमारा काम हो गया। अब हमने निर्णय ले लिया कि हम छह घंटे भले शरीर चाहे जैसा भी रहेगा छह घंटे कथा सुनाएंगे। इसका अर्थ कि जो भी मांगना हो किससे मांगना चाहिए भाई? भगवान से, और किसी से, क्योंकि भगवान से मांगेंगे। अरे भाई हम कहते हैं दो प्रकार की बात होती है, एक तो सीधी सीधी सर्विस लगती है, किसी के केंद्र में सर्विस लग गई चकाचक हो गया, और कभी कभी होता है कि केंद्र के जो सर्वेंट होते उनकी सर्विस करनी पड़ती है। तो सीधी केंद्र की सर्विस ठीक है कि सर्वेंट की सर्विस करनी ठीक है? ये तो सब सीधे गवर्नमेंट की करें सर्विस, ये सब तो सर्वेंट, जितने देवा देवता देवी सब भगवान हमारे भगवान राम जी के कृष्ण के सर्वेंट हैं, इनकी सेवा काहे करनी है? बहुत प्रसन्न है शुकाचार्य भगवान की स्तुति करके। सोलंग कृषिष्ठ भगवान बचाने समय, अरे राम, भगवान की प्रशंसा करके स्तुति करके सोलंग कृषिष्ठ भगवान बचाने समय, हे भगवान आप मेरी वाणी में पढ़ लिए, अब